Good morning, students. Today we are going to start with the third lesson, okay, and that is polynomials. So as usual, हम पहले ये समझते हैं कि polynomials क्या है, okay? So बच्चों, poly का मतलब होता है many, okay? Poly का मतलब होता है many, okay? And नॉमिनल्स का मतलब है पॉलिनोमियल्स, नॉमिनल्स का मतलब है टर्म्स, ओके? सो एक अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें मेनी टर्म्स है, जिसमें बहुत सारे टर्म्स है, उसको हम कहेंगे क्या? उसको हम कहेंगे पॉलिनोमियल्स, ओके? सो पॉलिनोमियल्स के कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, ओके? अभी मैं कुछ एग्जांपल्स उन लोगों को दे रही हूँ. जैसे पहला एग्जाम्पल है, हियर आई हैव रिटन 2x, ओके? देन आई हैव रिटन 7, यहाँ पे कुछ एक और टर्म लिखती हूँ, जैसे हाँ, ओके? सपोज आई हैव रिटन -5, सो आई विल से दैट ऑल दीज नंबर्स आर पॉलिनोमियल्स, ओके? ये सारे जो नंबर्स हैं, वो पॉलिनोमियल्स हैं. क्यों पॉलिनोमियल्स हैं बच्चों ये सारे नंबर्स? क्योंकि मैंने जैसे कहा, मैनी टर्म्स, मैनी टर्म्स मीनिंग 1, 2, 3, 4, कितने भी टर्म्स हो सकते हैं. सो यहाँ पे एक टर्म प्रेजेंट है, यहाँ पे भी एक टर्म प्रेजेंट है, यहाँ पे भी एक टर्म प्रेजेंट है, यहाँ पे भी. सो ये सारे जो नंबर्स हैं, भले ही यहाँ पे वेरिएबल है, बट यहाँ पे कॉन्स्टेंट्स दिख रहे हैं. तो ये बच्चों कांस्टेंट हो, सिर्फ कांस्टेंट जिसमें है वो भी पॉलिनोमियल है. मतलब 2x इज ऑल्सो अ पॉलिनोमियल, 7 इज ऑल्सो अ पॉलिनोमियल, हाफ इज ऑल्सो अ पॉलिनोमियल, -5 इज ऑल्सो अ पॉलिनोमियल. बट बच्चों अगर मैं तुम लोगों को बोलने जाऊँ व्हाट इज द एग्जैक्ट डेफिनेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स, ओके? सो एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या है पॉलिनोमियल्स का? सो एग्जैक्ट डेफिनेशन ऑफ पॉलिनोमियल इज डेफिनेशन ऑफ पॉलिनोमियल. सो बच्चों एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या है तुम्हारे पॉलिनोमियल्स का? तो ऐसा अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, ओके? द अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का मतलब जिसमें कॉन्स्टेंट और वेरिएबल होता है. सो अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच power of every variable in it is a whole number. हर एक का power क्या होना चाहिए? हर एक variable का power whole number होना जरूरी है, okay? हर एक variable का power होल नंबर होना चाहिए. तो तुम लोग मुझे बोलोगे, मिस इसको तो कुछ पावर ही नहीं है क्योंकि इसके साथ वेरिएबल ही नहीं है. मैंने क्या बोला? अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच पावर ऑफ एवरी वेरिएबल इज अ होल नंबर. सो बच्चों यहाँ पे वेरिएबल ही नहीं है तो कैसे कहूँ मैं उसको पॉलिनोमियल? तो देखो बच्चों, इसमें वेरिएबल नहीं है बट अभी इसमें तो है. मैं इसका दिखा दे तुम लोग को, पावर 2x है. तो बच्चों इसका पावर, x का पावर है 1, ओके? द पावर ऑफ x इज 1 हियर, ओके? दूसरा मैं 7 का एग्जांपल शो कर दूँ तुम्हें. 7 है, सो 7 को बच्चों हम, ये जो 7 है इसको हम 7 वंजर, वी कैन राइट डाउन इट लाइक दिस ऑल्सो. अभी ये 7 आई एम कीपिंग एज इट इज. बच्चों ये जो 1 है ना, 8 स्टैंडर्ड में तुमने पढ़ा है कि सपोज x इज माई वेरिएबल, ओके? तो अगर मैं उसका 0 पावर लूँ ना बच्चों, तो वो 1 आता है. सो इंस्टेड ऑफ 1, इन प्लेस ऑफ 1 आई एम राइटिंग एक्स रेज टू 0. एक्स रेज टू 0 का मतलब ही 1 होता है. तो देख लो यहाँ पे, इसके बाजू में अभी वेरिएबल नहीं था, 7 के बाजू में अभी आ गया है इसका वेरिएबल. x है वेरिएबल और उसकी पावर क्या है? 0. सो आई विल से दैट इन दिस केस द पावर इज 0, ओके? तो यहाँ पे ये एग्जाम्पल में है पावर 0, ये वाले एग्जाम्पल में था पावर 1. तो देखो बच्चों, मैंने क्या बोला था, पावर क्या होनी जरूरी है? वो जो वेरिएबल है उसका पावर होल नंबर होना चाहिए. सो देख लो यहाँ पे भी 1 इज द होल नंबर, 0 इज द होल नंबर. इट मींस व्हाट? ये 2x, फिर ये 7,
ये 1/2 को भी हम वैसे ही लिख सकते हैं. सपोज आई एम कंसिडरिंग दिस एग्जाम्पल 1/2, सो दिस आई कैन राइट डाउन 1/2 वन्स आर. ओके, इफ नथिंग इज देयर देन वन इज ऑलवेज देयर विद द मल्टीप्लीकेशन. देन हाफ एज इट इज, वन को आई कैन राइट डाउन लाइक एक्स टू द पावर 0, जो भी वेरिएबल हो. ओके, एम हो सकता है, एन हो सकता है, कोई भी वेरिएबल होता है, तो उसका पावर 0. देन हियर आई विल राइट डाउन दैट पावर इज 0. तो कभी भी, अभी तक तुम्हें समझ में आ गया रहेगा कि बच्चों अगर कॉन्स्टेंट नंबर दिखता है ना, जैसे हाफ या 7, तो उसका पावर हमेशा 0 होता है. ओके, द पावर ऑफ दैट नंबर इज ऑलवेज 0. ओके, सो ये 0, तो मतलब इन सभी का जो पावर है वो होल नंबर है. ओके, एवरी टर्म हैज अ पावर होल नंबर. इट मीन्स ये जो 2x है, ये जो 7 है, ये हाफ है, ये -5 है, आर पॉलीनोमियल्स. ये सारे क्या है? ये सारे के सारे पॉलीनोमियल्स है. ओके, सो बच्चों इस तरीके से पॉलीनोमियल पहचानना है. ओके, पॉलीनोमियल के कुछ टाइप्स है, मैं बता देती हूँ. यहाँ पे पॉलीनोमियल के कुछ टाइप्स है. पॉलीनोमियल कैसे, क्या होता है पॉलीनोमियल बच्चों? पॉलीनोमियल मतलब जहाँ पे हर एक वेरिएबल का पावर इज अ होल नंबर. पॉलीनोमियल के तीन टाइप्स है. फर्स्ट इज मोनोमियल. मोनोमियल का मतलब हैविंग ओनली वन टर्म, जिसके पास खाली एक टर्म होता है. फॉर एग्जाम्पल 2x, ओके, एक ही टर्म है, प्लस माइनस साइन नहीं दिख रहा ना तुम लोग को, मतलब एक ही टर्म है. देन 5 इज देयर, देन 9 इज देयर, -10 इज देयर, 0 इज देयर. ये बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं मोनो. मोनोमियल मीनिंग वन टर्म. मोनो, मोनो मीन्स वन. ओके, तो नेक्स्ट इज अ बाइनोमियल. नेक्स्ट जो होता है वो है बाइनोमियल. बाइनोमियल मीनिंग इट विल हैव टू टर्म्स इन इट. ओके, इसके पास दो टर्म्स होंगे. फॉर एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल है 2x + 5. सी स्टूडेंट्स, टू टर्म्स आर देयर. ओके, आई कैन राइट डाउन लाइक x² + 2. ओके, टू टर्म्स आर देयर. सो ये जो पॉलीनोमियल है, हियर ओनली टू टर्म्स आर प्रेजेंट, सिर्फ दो टर्म्स. ओके, सो ये जो पॉलीनोमियल्स का मैंने क्लासिफिकेशन किया है, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ द टर्म्स. ओके, नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पे क्लासिफाई किया है. ये सारे एग्जाम्पल्स हम लिख सकते हैं. नेक्स्ट आता है ट्राइनोमियल. ओके, ट्राइनोमियल मैंने पूरा नहीं लिखा है, ट्राइनोमियल पूरा लिखो. ट्राइनोमियल मीनिंग तीन टर्म्स. ओके, थ्री टर्म्स आर देयर, जहां पे तीन टर्म्स होंगे. फॉर एग्जाम्पल, इसका मैं एग्जाम्पल दे सकती हूँ x² + 2x + 5. ओके, थ्री टर्म्स आर देयर, सो इट मीन्स इट इज अ ट्राइनोमियल. अभी पॉलीनोमियल के और भी कुछ टाइप्स होते हैं, जैसे कि पॉलीनोमियल को हम क्लासिफाई कर सकते हैं. अभी ये जो था ना, दैट वाज ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स. ये नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पे मैंने इसको क्लासिफाई किया था कि एक टर्म है तो मैं इसको मोनोमियल बोलूंगी, दो टर्म्स है तो बाइनोमियल बोलूंगी, तीन टर्म्स है तो ट्राइनोमियल बोलूंगी. ओके, बट अभी बच्चों अगर हमारा जो पॉलीनोमियल है ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, डिग्री मतलब क्या? डिग्री मतलब हाईएस्ट इंडेक्स. ओके, डिग्री बच्चों, डिग्री का मतलब होता है हाईएस्ट इंडेक्स ऑफ योर पॉलीनोमियल. ठीक है, मैं बताती हूँ ये डिग्री के बेसिस पे पॉलीनोमियल को कैसे क्लासिफाई करते हैं. तो डिग्री के बेसिस पे वापस पॉलीनोमियल जो है तुम्हारा क्लासिफाई हो जाता है. फर्स्ट होता है लीनियर पॉलीनोमियल. ओके, लीनियर पॉलीनोमियल. लीनियर मतलब क्या? लीनियर का मतलब होता है बच्चों जिसका हाईएस्ट इंडेक्स इज 1. हाईएस्ट इंडेक्स, इंडेक्स मतलब पावर. ओके, जिसका हाईएस्ट इंडेक्स 1 हो उसको हम कहेंगे लीनियर पॉलीनोमियल. फॉर एग्जांपल x + 5. तो यहां पे बच्चों देखो, 5 का मैंने अभी बताया था, कोई भी कांस्टेंट टर्म होगा तो कोई भी कांस्टेंट टर्म का पावर 0 होता है. मतलब इसका पावर 0 है, यहां पे इसकी पावर 1 है, दिख रहा है? तो हाईएस्ट इज 1 ओवर योर.
तो हाईएस्ट वन है मतलब लीनियर पॉलिनोमियल. आई कैन गिव अनदर एग्जांपल एज वेल, 7m प्लस एन, ओके क्यू, क्यू नहीं लिखते, 9 लिखते, ओके 7m प्लस 9 या 7m, चलो. तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर इज 1, देन आई कैन राइट डाउन 8p प्लस 9. यहाँ पे 9 ए जो है तुम्हारा, उसका पावर है 0 और इसका पावर है 1, तो ये भी लीनियर पॉलिनोमियल हो जाएगा. देन देर इज अ नेक्स्ट टाइप ऑफ पॉलिनोमियल एंड दैट इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. ओके, अब ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ना बच्चों, क्वाड्रेटिक का मतलब होता है जिसका हाईएस्ट इंडेक्स, जिसकी डिग्री, हाईएस्ट इंडेक्स या डिग्री बोल लो इसको, ठीक है, हाईएस्ट इंडेक्स हो या डिग्री हो, दोनों का मतलब सेम है. इसका हाईएस्ट डिग्री 2 होना चाहिए. जैसे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स है, तो यहाँ पे इसकी पावर 1 और इसकी पावर 2 है, इट मीन्स हाईएस्ट इज 2. ओके, नंबर ऑफ टर्म्स नहीं देखने हैं, सिर्फ इंडेक्स देखना है, हाईएस्ट 2 होना जरूरी है. एम स्क्वायर प्लस 9 सपोज, सो यहाँ पे 2 इज देयर ना हाईएस्ट, यहाँ पे 0 है. सो दीज आर ऑल दी एग्जाम्पल्स, ये सारे एग्जाम्पल्स है इसके. एंड देन देयर इज अ क्यूबिक पॉलिनोमियल. ओके, नेक्स्ट आता है क्यूबिक. क्यूबिक मीनिंग जिसका हाईएस्ट इंडेक्स 3 है, हाईएस्ट इंडेक्स इज इक्वल्स टू 3, जिसका हाईएस्ट इंडेक्स 3 है. अभी जैसे इसके एग्जांपल है एक्स क्यूब प्लस 27, तो जैसे यहाँ पे हाईएस्ट इज 3, एक्स स्क्वेयर प्लस 2x प्लस 3, तो सबसे हाईएस्ट है 2, यहाँ सॉरी 3 है यहाँ पे, तो 3. ये जो तुम्हारे सारे पॉलिनोमियल्स है जिनका हाईएस्ट इंडेक्स है 3, उनको हम कहेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल्स. ओके, और जैसे मैंने कहा डिग्री क्या होता है, इफ एनी क्वेश्चन इज कमिंग लाइक डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल लिखने के लिए, सो बच्चों डिग्री मतलब होता है तुम्हारे पॉलिनोमियल का हाईएस्ट इंडेक्स. ओके, डिग्री का मतलब होता है हाईएस्ट इंडेक्स ऑफ द पॉलिनोमियल, सबसे ज्यादा पावर जो है जिसकी है वो है तुम्हारा डिग्री. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द प्रैक्टिस सेट 3.1. प्रैक्टिस सेट 3.1 जो है बच्चों, उसमें हमें पहला क्वेश्चन है स्टेट वेदर द गिवन अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल्स एंड जस्टिफाई. ओके, तो पहला क्वेश्चन जो है दैट इज y प्लस 1 अपॉन y. ओके, यहाँ पे पॉलिनोमियल है या नहीं है चेक करना है, यस और नो, एंड यू हैव टू जस्टिफाई, मतलब रीजन भी देना है. सो बच्चों मैं सारे एग्जाम्पल्स नहीं बताऊंगी, मैं सिर्फ इसमें से फ्यू एग्जाम्पल्स आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन. ओके, यहाँ पे अगर पॉलिनोमियल है या नहीं है चेक करना है तो हमें डिग्री देखनी है. ओके, पावर देखना है, पावर होल नंबर आना चाहिए. तो यहाँ पे y जो है ना बच्चों, इसका पावर है 1, बट ये वाला जो y है अगर ये ऊपर आ गया, मतलब इसका रेसिप्रोकल हो गया, तो इसकी पावर 1 है नीचे, ऊपर आके इसकी पावर हो जाएगी -1. ओके, व्हेन एनीवन कम्स इन द न्यूमरेटर फ्रॉम द डिनोमिनेटर एज पर द लॉ ऑफ इंडाइसेस, उसका जो पावर होता है वो पॉजिटिव होगा तो नेगेटिव बन जाएगा. ओके, लॉ ऑफ इंडाइसेस 8 स्टैंडर्ड. तो यहाँ पे बच्चों ये -1 इज नॉट अ होल नंबर ना, राइट, -1 इज नॉट अ होल नंबर. -1 तो होल नंबर नहीं है, तो अगर -1 होल नंबर नहीं है मतलब कि ये पॉलिनोमियल नहीं है, सारे होल नंबर आने जरूरी है. ओके, ये जो डिग्रीज है ना, ये सबके जो इंडाइसेस है, सबके इंडाइसेस होल नंबर आने चाहिए. सो देयर फोर y प्लस 1 अपॉन y इज नॉट अ पॉलिनोमियल, तो ये इस वजह से पॉलिनोमियल नहीं है. ओके, सिंपल सा रीजन है, सारे पावर होल नंबर आनी चाहिए, होल नंबर मतलब 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 सो ऑन. ओके, माइनस नहीं चलेगा, फ्रैक्शन नहीं चलेगा, पावर की बात हो रही है, पावर में फ्रैक्शन नहीं चलेगा, माइनस नहीं चलेगा. ओके, नाउ आई एम टेकिंग द सेकेंड क्वेश्चन फॉर यू. सेकेंड क्वेश्चन इज 2 - 5√x. ओके, तो बच्चों ये 2 एज इट इज, 5 एज इट इज, ये जो रूट एक्स है ना, इसका मतलब होता है x टू द पावर 1 अपॉन 2. 8 स्टैंडर्ड में पढ़ा है तुमने ये.
स्क्वायर रूट होगा तो उसका पावर स्क्वायर रूट निकल के 1/2 हो जाएगा। ओके तो यहाँ पे मैं चेक करती हूँ, ये जो 2 है कांस्टेंट, यहाँ पे एक्स होता है प्रेजेंट। ओके एक्स इज ऑलवेज प्रेजेंट ओवर योर, बट उसका पावर होता है 0। कांस्टेंट टर्म के आगे वेरिएबल होता है बट उसकी पावर 0 होती है। तो ये तो होल नंबर है बट ये होल नंबर नहीं है। तो मैं लिखती हूँ कि 1/2 इज अ रैशनल नंबर। ये कौन सा नंबर है बच्चों? ये रैशनल नंबर है। ओके सो इट मीन्स 1/2 इज नॉट अ होल नंबर। ओके ये होल नंबर नहीं है। सो देयरफॉर 2 - 5√x इज नॉट ए पॉलिनोमियल। तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। ओके आगे के जो सारे एग्जाम्पल्स है वो तुम अपने खुद से सॉल्व कर सकते हो। थर्ड वाला मैं देती हूँ, फोर्थ और फिफ्थ तुम्हारा होमवर्क रहेगा। ठीक है तो थर्ड वाला जो है दैट इज x² + 7x + 9। तो यहाँ पे मैं सबकी तुम्हें पावर बता देती हूँ। इसका पावर 2 है आंखों के सामने, इसका पावर है 1 और 9 के आगे कुछ नहीं तो x होगा ही क्योंकि x इज योर वेरिएबल, सो इट इज प्रेजेंट एवरीवेयर, बट इस x का पावर होगा 0। हमेशा डिक्रीज होते जाता है पावर, 2 से 1, 1 से 0 हो गया। कॉन्स्टेंट नंबर का पावर इज ऑलवेज 0 स्टूडेंट्स। ओके तो यहाँ पे मैंने जैसे कहा तुम्हें बाकी कुछ नहीं देखना है, बस वेरिएबल का पावर देखना है। ये भी नहीं देखना है, कोएफिशिएंट भी नहीं देखना है, खाली वेरिएबल का पावर देखना है। ओके सो हियर आई विल से हियर ऑल द वेरिएबल्स हैव होल नंबर एज देयर इंडाइसेस। उनके सारों के इंडाइसेस मतलब कि जो पावर्स है वो सारों के सारे पावर्स होल नंबर्स है। सो देयरफॉर अगर सारे पावर होल नंबर है बच्चों तो इसके लिए तुम्हारा x² + 7x + 9 बन जाता है इज अ पॉलीनोमियल। सो ये पॉलीनोमियल है। ओके एज आई टोल्ड यू योर होमवर्क इज question number 4 and question number 5। मैं आंसर बता के रखती हूँ, इट इज नॉट अ पॉलीनोमियल, इट इज अ पॉलीनोमियल। ये नहीं है, ये है। दिस इज नॉट अ पॉलीनोमियल, दिस इज अ पॉलीनोमियल। ओके ये वाला है, ये वाला नहीं है। पांचवा वाला 10 है, 10 का पावर 0 होगा। ओके सो मीनिंग व्हाट, वो पॉलीनोमियल है, 0 इज योर होल नंबर। ओके तो इसके लिए पांचवा वाला पॉलीनोमियल है बच्चों। ओके आई एम टेकिंग द क्वेश्चन नंबर 2 नाउ। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखना है? क्वेश्चन नंबर 2 में लिखना है राइट द कोएफिशिएंट ऑफ एम क्यूब। कोएफिशिएंट मतलब जो नंबर वेरिएबल के साथ मल्टीप्लीकेशन में होता है। फॉर एग्जांपल योर फर्स्ट क्वेश्चन इज एम क्यूब, राइट? सो एम क्यूब के आगे कुछ नहीं दिख रहा तो 1 है। दिस इज द कोएफिशिएंट, दिस इज वेरिएबल, दिस इज इंडेक्स मतलब पावर। ये पावर, ये वेरिएबल, ये कोएफिशिएंट। तो यहाँ पे बच्चों तुम्हारा कोएफिशिएंट है 1 एम क्यूब का, बाकी किसी का नहीं लिखना है। ठीक है सिर्फ एम क्यूब का लिखना है, तो एम क्यूब का कोएफिशिएंट है 1। क्वेश्चन नंबर 2 में -3/2 + (n - √3m³, तो मुझे कोएफिशिएंट लिखना है। किसका कोएफिशिएंट लिखना है बच्चों? एम क्यूब का। तो मेरा एम क्यूब किधर है? यहाँ पे है। उसका कोएफिशिएंट क्या दिख रहा है? √3, बट डोंट फॉरगेट टू गिव द साइन विच इज अटैच टू इट विच इज -√3। ओके सो -√3 इज गोइंग टू बी योर आंसर। ओके नाउ लेट्स टेक क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 इज -2/3m³ - 5m² + 7m - 1। तो नाउ आई एम गोइंग टू राइट डाउन द कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट मतलब किसका कोएफिशिएंट लिखना है बच्चों? एम क्यूब का। एम क्यूब के साथ कौन जुड़ा है? -2/3, सो दैट इज गोइंग टू बी योर कोएफिशिएंट।
ओके, आई सेंड द नोट्स इन द ग्रुप, सो डोंट वरी, मैं जब पढ़ा रही हूँ तो लिखने की जरूरत नहीं है, मैं ये नोट सारे ग्रुप में सेंड करती हूँ एज यू ऑल नो, तो ये बाद में लिखो, सिर्फ वीडियो अच्छे से देखो, समझने की कोशिश करो. ओके, सो लव लेट्स